मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं धनवर्ष ऑफ इन्वेस्ट, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, उस पर चर्चा करूंगा। यह कंपनी भारत के अग्रणी निवेशक सुब्रमण्यम पी जी के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कंपनी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन शॉर्ट एनबीएफसी है। यह एक बैंकिंग कंपनी नहीं है। यह कंपनी रिटेल फोकस्ड है, तो इनके जो कस्टमर्स हैं वो रिटेल कस्टमर्स हैं। ये कॉरपोरेट को लोन नहीं देती है और इनका टारगेट कंज्यूमर है छोटे छोटे व्यापारी और लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के कस्टमर्स। और ये अलग अलग तरीके के लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस कह सकते हैं इनको देते हैं। कंपनी का प्रमोट किया जाता है मुंबई के विल्सन ग्रुप द्वारा। यह विल्सन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी आप इसको मान सकते हैं। इस ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां तो लिस्टेड नहीं है, यह उनमें से एक है जो कंपनी लिस्टेड हुई है। कंपनी अलग अलग तरीके के लोन देती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इनका मेन कंज्यूमर है और छोटे व्यापारी जैसे रिक्शा चालक हो गए या टोटो चालक हो गए, छोटा दुकान या ठेला लगाने वाले हो गए, ये इनके मेजर कंज्यूमर ग्रुप है और कस्टमर टारगेट कस्टमर है। कंपनी लोन जैसे वर्किंग कैपिटल लोन, किसी को व्यवसाय के लिए छोटे मोटे लोन चाहिए तो वो कंपनी देती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहे तो वो भी कंपनी देती है। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन, मान लीजिए एक दो जगह से लोन आपकी चल रही हो तो उनको बंद करा के आप यहाँ से लोन लेके उनको बंद करा सकते हैं, तो ये डेब्ट कंसोलिडेशन लोन भी कंपनी देती है। कमर्शियल परचेस लोन, किसी को टोटो खरीदना हो, ऑटो खरीदना हो या रिक्शा खरीदना हो या इसी तरीके की दूसरी कोई चीजें हो छोटी मोटी व्यवसाय से रिलेटेड, तो ये उस तरह के भी लोन कंपनी देती है। कमर्शियल परचेज लोन के अंतर्गत कंपनी देती है। पर्सनल लोन जैसे आप नौकरी दिखा के या फिर कोई अपना व्यवसाय दिखा के, कोई काम दिखा के भी ले सकते हैं। तो मेन टारगेट कंज्यूमर ग्रुप भारत का लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, तो एक वास्ट कंज्यूमर बेस है कंपनी का और उसी को कंपनी वास्ट प्रोस्पेक्ट का कस्टमर बेस है जिसको कंपनी टारगेट कर रही है। ये अलग अलग इनोवेटिव सॉल्यूशंस कंपनी देती है लोन के रिगार्डिंग। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई थी 2017 में और पिछले 4 सालों में कंपनी ने करीब 50 गुना रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है निवेशकों के लिए। पहले 1-2 साल तो शांत गए थे, उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मार्केट कैप अभी भी 1000 करोड़ के आसपास का है, तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी के लिए, और साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड यील्ड ना के बराबर आप इसको मान सकते हैं। लेकिन कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न है। पी रेशियो 3000 के ऊपर है, तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए। 3000 के ऊपर मतलब एक मैडनेस टाइप का रन हुआ है कंपनी का, तो आप सतर्क रहिए, कैरिड अवे ना हो जाइए, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। आप इसको अगर बहुत इंटरेस्टेड है रिटर्न देख के, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, वॉच करिए कुछ वर्षों तक या कुछ दिन तक, देखिए क्या हो रहता है कंपनी का, कैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उस हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पोर्टफोलियो के बाकी स्टॉक्स का विश्लेषण मैंने अपने वेबसाइट moneypati.com पे किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मनीपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को मदद मिल सके। धन्यवाद।